हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जो भी आपको पसंद आए बोल के चलते हैं आज के इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो की तरफ। दोस्तों, भारत में 28 राज्य हैं और हर राज्य की अपनी एक अलग विशेषता है। हर राज्य को भारत में अलग अलग दर्जा मिला हुआ है, लेकिन उत्तर पूर्व के राज्यों को सात बहनों का दर्जा दिया गया है। ये राज्य एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक दूसरे पर निर्भर होने के कारण ही इन सात राज्यों को सात बहनों की भूमि कहा गया। इन सेवन सिस्टर्स राज्यों में मिजोरम, असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड शामिल है। सिक्किम इस राज्यों का हिस्सा नहीं है, क्योंकि इन सेवन सिस्टर्स का गठन हुआ तब सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था। दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत भी किसी वंडरलैंड से कम नहीं है। इस जगह को नेचर का आशीर्वाद मिला है और यहाँ के सेवन सिस्टर स्टेट्स भी अपने आप में ही अलग खासियत रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको कराते हैं आज सेवन सिस्टर स्टेट्स की सैर। नंबर एक, असम। ये नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है और सेवन सिस्टर्स राज्य में शामिल है। असम को राज्य का दर्जा 26 जनवरी 1950 को दिया गया। इस राज्य को पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश कहा जाता है, यानी कि भारत के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में एंट्री लेने के लिए सबसे पहले असम में एंट्री ली जाती है। इस राज्य की राजधानी दिसपुर है। इस राज्य में 33 जिले हैं। इस राज्य का क्षेत्रफल 78,438 किलोमीटर स्क्वायर है। इस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप असम राज्य में स्थित है। यह द्वीप मिट्टी से बने मुखुटों के लिए भी दुनिया भर में जाना जाता है। असम का डिगबोई दुनिया की सबसे पुरानी ऑपरेटिंग रिफाइनरी के लिए जाना जाता है। एक रिफाइनरी 1901 से चली आ रही है। असम देश का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है। असम में पूरे देश की करीब आधी चाय का उत्पादन किया जाता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में हर साल करीब 63 से 70 करोड़ किलो चाय का उत्पादन होता है। इसके अलावा असम राज्य कामाख्या माता के मंदिर, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, वहाँ की चाय की बगान की वजह से काफी फेमस है। इसके अलावा दुनिया भर में गोल्डन सिल्क के नाम से मशहूर मूंगा रेशम का उत्पादन भी असम में ही होता है। नंबर दो, नागालैंड। नागालैंड राज्य का गठन 1 दिसंबर 1963 को भारत के 16वें राज्य के रूप में हुआ। इसकी राजधानी कोहिमा है। नागालैंड का सबसे बड़ा शहर डिमापुर है। 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड का क्षेत्रफल 16,569 किलोमीटर स्क्वायर है, जबकि नागालैंड की जनसंख्या 19,80,602 है। नागालैंड में कुल 12 जिले हैं। नागालैंड की 88% आबादी ईसाई धर्म को मानती है। दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया की सबसे तीखी मिर्चियों में से एक मिर्ची नागालैंड की ही है। भूत जोलो किया दुनिया की सबसे तीखी मिर्चियों में से एक है। इसका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हो चुका है। इसको घोस्ट पेपर भी कहा जाता है। ये भारत की सबसे तीखी मिर्ची है। नागालैंड में 100 से ज्यादा जनजाति निवास करती है। नागालैंड में आज तक कोई महिला विधायक नहीं बनी है। यहाँ की राजनीति में महिलाओं का योगदान बिल्कुल नहीं है। नागालैंड में 1 से 10 दिसंबर के बीच हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसको देखने दूर दूर से लोग आते हैं। नंबर तीन, मणिपुर। मणिपुर भी सेवन सिस्टर्स में शामिल है। इसकी राजधानी इम्फाल है। मणिपुर भारत में 15 अक्टूबर 1949 को शामिल हुआ, लेकिन इसको पूर्ण राज्य का दर्जा 21 जनवरी 1972 को मिला। इस राज्य का क्षेत्रफल 22,347 किलोमीटर स्क्वायर है, जबकि इसकी जनसंख्या 28,55,994 है। मणिपुर में कुल 16 जिले हैं। इस राज्य की सीमा उत्तर में नागालैंड और दक्षिण में मिजोरम, पश्चिम में असम और पूर्व में म्यांमार से लगती है। इस राज्य को देश की आर्किड बास्केट भी कहा जाता है। ये राज्य यहाँ पर पाए जाने वाले शिरोई लिली के लिए भी काफी मशहूर है, क्योंकि यह फूल पूरी दुनिया भर में सिर्फ मणिपुर में ही पाया जाता है। हर साल मणिपुर के उखरूल जिले में शिरोई लिली फेस्टिवल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसे देखने दूर दूर से लोग मणिपुर आते हैं। मणिपुर में किबोल लामजो राष्ट्रीय उद्यान, विष्णुपुर स्थित विष्णु मंदिर, मोरहे सिराय गाँव, उखरूल की पहाड़ियाँ, कांगला पार्क जैसे कुछ टूरिस्ट प्लेस हैं, जो बहुत फेमस है। मणिपुर एक ऐसा राज्य है जहाँ दुनिया की एकमात्र तैरती झील है। नंबर चार, मेघालय। मेघालय राज्य का गठन असम राज्य के दो बड़े जिलों संयुक्त खालसी हिल्स और जयंती हिल्स को असम से अलग करके 21 जनवरी 1972 को किया गया। मेघालय को एक पूर्ण राज्य का दर्जा देने से पहले 1970 में उसे सेमी ऑटोनोमस स्टेट का दर्जा दिया गया।
इस राज्य का क्षेत्रफल 22,429 किलोमीटर स्क्वायर है। 2011 में जनगणना के मुताबिक इस राज्य की जनसंख्या लगभग 29,64,007 है। इस राज्य की राजधानी शिलांग है। मेघालय में कुल 11 जिले हैं। मेघालय का मतलब होता है बादलों का घर, जो इस बात को काफी सही भी प्रूफ करता है, क्योंकि दोस्तों मेघालय के चेरापूंजी, मेघालय में साल भर में होने वाली बारिश की वजह से इसे दुनिया की सबसे नम जगहों में गिना जाता है। यहाँ का टेम्परेचर मुश्किल से 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचता है, जबकि सर्दियों में टेम्परेचर शून्य तक पहुँच जाता है। ये राज्य अपने रूट ब्रिजेस के लिए काफी फेमस है। मेघालय के गांव को भारत के सबसे साफ गांव का दर्जा मिला है। मेघालय में बहुत सारी नदियाँ हैं, जिनमें गनौल, सांडा, बांद्रा, बुगई जैसी कुछ नदियाँ प्रमुख हैं। दोस्तों मेघालय की उमंगोत नदी को देश की सबसे साफ नदी माना जाता है। इसका पानी इतना साफ है कि नाव कांच पर तैरती हुई सी नजर आती है। मेघालय में भारत का सबसे ऊंचा झरना नोल्किकाई फॉल्स भी मौजूद है। इसके अलावा डॉन बॉस्को म्यूजियम, मसाई गुफा, गारो पहाड़ियाँ, एलिफेंट फॉल्स जैसी कुछ जगह है, जिनको देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। दोस्तों मेघालय भारत का बहुत ही खूबसूरत राज्य है, और अपनी खूबसूरती के कारण मेघालय को स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। नंबर 5, त्रिपुरा। त्रिपुरा भी सेवन सिस्टर स्टेट्स में शामिल है, जहां पर भारत की खूबसूरती देखने को बनती है। यह भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल 10,491 वर्ग किलोमीटर है। इसका गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ था। त्रिपुरा में कुल 8 जिले हैं। त्रिपुरा बांग्लादेश तथा म्यांमार की नदी घाटियों के बीच स्थित है। इसके उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश है, जबकि पूर्व में असम और मिजोरम मौजूद है। यानी कि ये राज्य तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। पूर्वोत्तर भारत में गुवाहाटी के बाद अगरतला ही सबसे महत्वपूर्ण शहर है। त्रिपुरा की जनसंख्या 36,73,917 है। त्रिपुरा आधे से ज्यादा जंगलों से घिरा हुआ है, इसलिए ये स्टेट टूरिस्ट को अपनी तरफ काफी अट्रैक्ट करता है। नंबर 6, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों ये 7 बहनों में सबसे बड़ी बहन है। जी हाँ, मतलब कि 7 स्टेट सिस्टर्स में से ये राज्य सबसे बड़ा है। इस राज्य की राजधानी ईटानगर है। इस राज्य में 25 जिले हैं। इस राज्य का कुल क्षेत्रफल 83,743 किलोमीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल के हिसाब से ये भारत का 15वां सबसे बड़ा राज्य है। 2011 की जनगणना के मुताबिक राज्य की कुल जनसंख्या 13,82,611 है। अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑफ डॉन भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है उगते सूर्य का घर, क्योंकि दोस्तों भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में ही उदय होता है। अरुणाचल प्रदेश में सूर्य की पहली किरण सुबह 4:30 बजे गिरती है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में सूरज निकलने का टाइम का अंतर लगभग 2 घंटे का है। आजादी के काफी साल तक बाद भी अरुणाचल प्रदेश नाम का कोई राज्य नहीं था। उस समय अरुणाचल प्रदेश को NEFA यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। साल 1972 में श्री बीभा बासु दास शास्त्री जी ने अरुणाचल प्रदेश को उसका यह नाम दिया और उसे एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और यह भारत का 24वां राज्य बन गया। इस स्टेट की सीमा असम और नागालैंड से मिलती है, जबकि इसका इंटरनेशनल बॉर्डर म्यांमार, भूटान और चीन से लगता है। 3 देशों की सीमा लगने के कारण अरुणाचल प्रदेश में काफी मिक्स कल्चर देखने को मिलता है। अरुणाचल प्रदेश बहुत खूबसूरत है। अरुणाचल प्रदेश को पूर्वोत्तर का आभूषण भी कहा जाता है। इसे भारत का फिनलैंड कहा जाता है, क्योंकि सर्दियों में इस राज्य का ज्यादातर हिस्सा बर्फ से ढक जाता है। इस राज्य का लगभग 80% भाग जंगलों से घिरा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश का सबसे लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन तवांग मठ है, जो कि 400 साल पुराना है। ये भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। पोताला महल के बाद दूसरा सबसे बड़ा मठ है। अरुणाचल प्रदेश की इकॉनमी खेती पर डिपेंडेंट है। नंबर 7, मिजोरम। दोस्तों 7 सिस्टर स्टेट्स में आखिरी राज्य है मिजोरम। मिजोरम राज्य साल 1972 तक असम का ही हिस्सा था, पर 20 फरवरी 1987 को इसे भारत का 23वां राज्य बना दिया गया। मिजोरम की राजधानी ऐजोल है। मिजोरम का क्षेत्रफल 21,081 किलोमीटर स्क्वायर है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या लगभग 10,91,014 है। मिजोरम में कुल 11 जिले हैं। मिजोरम राज्य का बॉर्डर त्रिपुरा,
असम और मणिपुर से मिलता है, जबकि इसका इंटरनेशनल बॉर्डर बांग्लादेश और म्यांमार से मिलता है। विश्व की कर्क यानी कि कैंसर रेखा इस राज्य के बीच से होकर गुजरती है। मिजोरम देश के उन राज्यों में से एक है जहां की लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है। भारत में केरल और लक्षद्वीप के बाद मिजोरम थर्ड पोजीशन पर है जिसकी लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है। मिजोरम घने जंगलों से भरा पूरा राज्य है जिसके कारण यहां मार्च से सितंबर के महीने में जमकर बारिश होती है। मिजोरम राज्य की सबसे बड़ी नदी का नाम चिमतूपी है जिसे कालादान भी कहा जाता है और सबसे बड़ी झील का नाम पलक लेक है। दोस्तों आपको बता दें कि मिजोरम शब्द को मौतम से मिलाया गया है जिसका मतलब होता है अकाल। दरअसल दोस्तों मिजोरम में लगभग 50 साल के बाद बांस के फूल आते हैं और इन फूलों को खाने की वजह से वहां पर बहुत ज्यादा चूहे हो जाते हैं। बांस के फूल न सिर्फ चूहों का पसंदीदा भोजन होता है बल्कि इसे खाने से उनकी प्रजनन क्षमता भी और तेज हो जाती है जिसके कारण ये चूहे न सिर्फ बांस के फूलों पर बल्कि लोगों के रखे हुए अनाज पर भी धावा बोल देते हैं जिस वजह से वहां पर अकाल जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों मिजोरम अपने ब्लू माउंटेन के लिए भी काफी फेमस है। दोस्तों ये थे सेवन सिस्टर स्टेट्स जो भारत में अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं और उत्तर भारत की शान है। आपको इनमें से कौन से स्टेट पसंद आया और आप कौन से स्टेट में घूमना चाहेंगे हमें हमारे कमेंट सेक्शन में। नॉर्थ ईस्ट इंडिया जिसे सेवन सिस्टर स्टेट्स भी कहा जाता है भारत का बल्कि दुनिया का एक खूबसूरत तरीन इलाका माना जाता है। 7 रियासतें हैं। असम अपनी जनसंख्या को लेकर सबसे बड़ी रियासत है। इसके साथ साथ इसे गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी कहा जाता है। पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया की मोर देन 75% पॉपुलेशन आसाम में ही देखने को मिलती है। अब अगर अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो अपने एरिया को लेकर यह सबसे बड़ी रियासत है सेवन सिस्टर स्टेट्स में और इसे चढ़ते सूरज की सरजमीन भी कहा जाता है और भारत का पहला तुलुए आफ्ताब यानी सनराइज भी अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ अगर मिजोरम की बात की जाए, मेघालय की बात की जाए, मणिपुर की बात की जाए तो सब रियासतों में एक बात कॉमन है कि सारी रियासतें बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं और हर रियासतों में कबायली कल्चर पाया जाता है और मुकामी कल्चर की वजह से ये जगहें टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हुई दिखाई देती हैं। अगर असम की बात की जाए तो यहाँ पर चाय के बागात पाए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ बहुत ही ज़बरदस्त है और यहाँ की ब्रह्मपुत्र नदी पूरी दुनिया में फेमस है। अपनी कबायली जिंदगी की वजह से सेवन सिस्टर ऑफ स्टेट दूसरे इंडिया की निस्बत अच्छे खासे मुख्तलिफ दिखाई देते हैं। सारी ही रियासतें नेचुरल ब्यूटी से रिच हैं और टूरिस्ट के लिए एक बहुत ही जबरदस्त जगह है देखने के लिए। इस वीडियो में तक बने रहने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। चैनल पर फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।